सो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10 बड़ी आने वाली फिल्मों के बारे में जो कि हमें जनवरी और मार्च के महीने में देखने को मिलेंगी। इस लिस्ट में मैंने बॉलीवुड और साउथ की मूवी को ऐड किया है जो कि हिंदी भाषा में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस नंबर 10 पर मूवी आती है शहजादा। कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे बन रहे हैं। इन्होंने पिछले साल कई शानदार फिल्में दी थी और इस साल भी कार्तिक आर्यन शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं शहजादा। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। कार्तिक आर्यन की फिल्म का टीजर जबरदस्त है। ट्रेलर में एक बड़ा सा बंगला दिखाया जाता है। तब कार्तिक आर्यन अपने पिता से पूछते हैं कि बाबा मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी भी इस बंगले में अंदर नहीं जाने देते हैं। उसके बाद परेश रावल कहते हैं ये स्वर्ग है। फिर कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि वह उनके पिता नहीं है और फिर आगे की कहानी तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कृति सनोन, परेश रावल, रोहित शेट्टी और रामपाल यादव अहम किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और इस फिल्म को 10 फरवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। अब नंबर 9 पर मूवी आती है माइकल। माइकल फिल्म में संदीप किशन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म को डायरेक्टर रंजीत जय कोडी ने किया है। लगभग 1.5 मिनट का यह टीजर एक्शन और इमोशनल से भरा हुआ है और सभी प्रमुख किरदारों की झलक भी दिखाई जाएगी। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया था जो कि ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। डायरेक्टर गौतम भी एक मेन किरदार बातें हुए नजर आएंगे। यह फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और यह फिल्म 3 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब नंबर 8 पर मूवी आती है शकुंतलम। देव मोहन की फिल्म शकुंतलम का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो इंस्टाग्राम पर सुपर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर को तेलुगु के अलावा हिंदी में भी रिलीज किया गया है और इसकी एक झलक ने ही लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। 2.52 मिनट के इस ट्रेलर को लोगों ने खूब प्यार दिया है। हर कोई स्टार कास्ट और मेकर्स की तारीफें कर रहा है। इस फिल्म की स्टोरी में एक पंछी एक बच्चे को कहीं से उठाकर ले आता है और जंगलों में फेंक देता है। उस बच्चे का नाम शकुंतलम होता है। इस फिल्म की स्टोरी शकुंतलम के ऊपर होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्टर गुण शेखर कर रहे हैं और यह फिल्म 60 से 70 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। यह फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। अब नंबर 7 पर मूवी आती है सेल्फी। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और इमरान हाशमी अपनी फिल्म सेल्फी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही फिल्म को लेकर हर रोज नया अपडेट सामने आता रहता है। अक्षय कुमार ने जल्दी ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, सेल्फी मूवी 24 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार एक सुपरस्टार की भूमिका निभाते नजर आएंगे और साथ ही इमरान हाशमी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे और उनके साथ ही नुसरत और राहुल देव अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनाई जाएगी। अब नंबर 6 पर मूवी आती है मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी पिछले काफी समय से फिल्म में कम नजर आ रही हैं। शादी के बाद और बेटी के जन्म के बाद से ही रानी मुखर्जी लगभग 2 साल बाद फिल्मों में नजर आई हैं। रानी मुखर्जी हिंदी सिनेमा में अपने शानदार और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। फिल्म से रानी मुखर्जी का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है, साथ ही फिल्म रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित तो फिल्म है। फिल्म में एक इंडियन कपल की कहानी दिखाई जाएगी जिनके बच्चे को साल 2011 में नॉर्वेजियन वेलफेयर सर्विस द्वारा ले लिया जाता है और आगे की कहानी तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगी। बता दें कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म को अश्मिम चिबरी डायरेक्शन कर रहे हैं। यह फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनाई गई है और यह फिल्म 3 मार्च 2023 को रिलीज होगी। नंबर 5 पर किंग खान की मूवी आती है पठान। शाहरुख खान की मोच एडवांटेज फिल्म पठान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अपने बर्थडे के खास मौके पर किंग खान ने फैंस को पठान की झलक दिखाकर बड़ी ट्रीट दे दी है।
2 नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे के खास मौके पर पठान का टीजर रिलीज किया गया था। फैंस पठान की टीजर देखने के बाद पठान मूवी के दीवाने हो गए हैं। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पठान का टीजर शेयर कर दिया है और कैप्शन में लिखा, अपनी कुर्सी की पीठी बांध लीजिए क्योंकि पठान का टीजर आ गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम अहम किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म बिग स्क्रीन पर 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। इस फिल्म को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंदा कर रहे हैं और यह फिल्म 250 करोड़ के बजट में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 4 पर मूवी आती है तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर कपूर और सिद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म के टाइटल का अनाउंसमेंट आखिरकार हो गया है। मेकर्स ने फिल्म के टाइटल के साथ ही टीजर भी रिलीज कर दिया है। इस फिल्म के जरिए रणबीर और सिद्धा कपूर पहली बार बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। इस फिल्म के टीजर में रणबीर और सिद्धा कपूर के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को भी मिलेगी। तू झूठी मैं मक्कार के टीजर को देखकर लग रहा है कि यह फिल्म मजेदार होने वाली है। तू झूठी मैं मक्कार फिल्म में रणबीर कपूर के साथ सिद्धा कपूर और अजय देवगन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और यह फिल्म 8 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब नंबर 3 पर मूवी आती है हरी हरी वीरामल्लू। हरी हरी वीरामल्लू एक आगामी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्शन क्रिश जगर लंबूटी कर रहे हैं। इस फिल्म में पवन कल्याण मेन रोल निभाते नजर आएंगे और साथ ही नूरा फतेह, निधि अग्रवाल, जैकलीन, सोनाक्षी सिंह और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस मूवी के ट्रेलर को देखकर लगता है कि यह फिल्म मजेदार होने वाली है। यह फिल्म 120 करोड़ के बजट में बनाई जाएगी और यह फिल्म 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 2 पर मूवी आती है भोला। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने हिंदी सिनेमा की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म भोला की शूटिंग में बिजी है जो तमिल की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक है। अजय देवगन ने इस साल अप्रैल के महीने में अपनी इस फिल्म का ऐलान किया था और तब इस फिल्म के डायरेक्शन के तौर पर धर्मेंद्र शर्मा का नाम सामने आया था, लेकिन अब अजय देवगन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अजय देवगन के डायरेक्शन में बनने वाली यह 4th फिल्म होगी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तबू, दीपक और अजय मिश्रा अहम किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म 50 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और इस फिल्म को 30 मार्च 2023 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब हमारी नंबर 1 पर मूवी आती है मैं क्यों बताऊं। पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। तो गाइस अब नंबर 1 पर मूवी आती है दशहरा। जब अच्छी कंटेंट वाली फिल्मों की बात होती है तो लोगों के जुबान पर सिर्फ साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की आरआर, केजीएफ और पुष्पा का नाम आता है। अब साउथ के सिनेमा स्टार नैनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है दशहरा। दशहरा का टीजर देखते वक्त केजीएफ और पुष्पा जैसी फीलिंग आती है। इस दशहरा फिल्म में नैनी, कीर्ति और सामुथिराथानी मेन रोल निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्टर श्रीकांत ओथेला कर रहे हैं। यह फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है और यह फिल्म 30 मार्च 2023 में देखने को मिलेगी। तो गाइस आप लोग साउथ मूवी के फैन हो या बॉलीवुड मूवी के फैन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।